जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको गाय के पैरों से यह एक चीज़ लेकर आना, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और आप रोडपति से करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी अगर आपने भूल कर भी गाय के पैरों से यह एक चीज़ निकाल ली। दोस्तों आपने आज की इस वीडियो में जो सुना ठीक सुना, एक हिंदू एक गाय अवश्य रखनी चाहिए। ये सच है कि अगर एक हिंदू एक गाय रखेगा तो आज हमारी गाय माता को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। दोस्तों आप इस बात का संकल्प ले सकते हैं कि आप एक गाय अवश्य ही पालेंगे। दोस्तों क्योंकि गाय जो होती है वो हमारे घर की हर प्रकार से सुरक्षा करती है, हमारे जीवन में शुभ मानी जाती है गाय माता। गाय माता को दर दर की ठोकर ना भटकना पड़े, इसलिए आपसे हम इस संकल्प के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जिस घर में गाय होती है वो घर धनवान होकर ही रहता है, यानी कि जिस स्थान पर गाय बंधी रहती है उस स्थान पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। गाय के गोबर से लेकर मूत्र, गाय के पैरों की यह एक चीज आपके कितने काम की हो सकती है ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये लगभग सभी को पता होता है परंतु इसे आप नज़रअंदाज कर देते हैं या कुछ अंधविश्वास मानते हैं। एक सच्चा हिंदू अपने शास्त्र देवी देवताओं पर ना उंगली उठाए ना ही अंधविश्वास करेगा और ये बोलकर चिल्ली भी नहीं उड़ाएगा कि ये सब अंधविश्वास होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग सच्चे हिंदू हैं। अगर आप सच में सच्चे हिंदू हैं और आप भी बागेश्वर बालाजी के गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह हिंदू राष्ट्र चाहती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें एक हिंदू एक गाय। दोस्तों गाय हमारी माता है। दोस्तों आज का जो उपाय है वो महाशक्तिशाली उपाय है, किस्मत को पलट देने वाला उपाय है। बस आपको ध्यान से इस उपाय को सुनना है। मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको ये जानकारी देने वाली हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सभी का समय बहुत ही कीमती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चमत्कारी जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ ये खुद राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा करके प्राप्त किया था। यानी कि जो राजा दिलीप थे उन्होंने नंदिनी गाय की सेवा से पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। उनकी इच्छा थी कि उनके घर में एक सुंदर पुत्र हो और उनकी ये इच्छा नंदिनी गाय की सेवा से उनकी पूर्ण हो गई थी। गाय सेवा से पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। प्रतिदिन गाय को दी गई रोटी आपके सभी समस्याओं को दूर कर आपके पापों का नाश कर देती है, सुख शांति लाती है। गाय को दी गई रोटी यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं को प्राप्त होती है। गाय की जो खुर होती है उनसे जो उड़ने वाली धूल होती है वह जो व्यक्ति सिर पर उस धूल को धारण कर लेता है उसे तीर्थ स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। शिव मंदिर में काली गाय के दर्शन अगर आपको हो जाते हैं तो आपके जीवन में कभी काल सर्प दोष नहीं लगता, यानी कि अगर कान सर्प दोष लगा होगा तो समाप्त हो जाता है। गाय के खुर के दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु नहीं होती, गाय के दूध से व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला बनता है। दोस्तों घर से जाते समय गाय के दर्शन मात्र से कार्य सफल हो जाती है। गोधनी वेला की धूल जो गाय जंगल से घर वापस आ रही हो उस समय उड़ने वाली धूल का स्पर्श अगर आपको लग जाता है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर होती है। गाय की पूंछ का झाड़ा लगाने से बच्चों की नजर दोष दूर हो जाती है। काली गाय का दूध पितृ दोष और त्रिदोष नाशक होता है, यानी कि तीन दोषों को नाश कर देता है। काली गाय के दूध से आप लोग अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, यानी कि उसका जो दूध होता है वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताए गए उपाय को अब आपको ध्यान से सुनना है। आपको सफ़ेद गाय के खुर से ही निकली हुई धूल लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि समुद्र मंथन से सफ़ेद गाय निकली थी और बाकी रंग की जो गाय है उनको सीता माता द्वारा श्राप किया गया है। तो आपको सफ़ेद रंग की जो गाय है उसी के खुर से निकली हुई धूल लेनी है, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में गोरोचन कहते हैं। इसका प्रतिदिन आपको तिलक लगाना है
और इस तिलक को लगाने के बाद कुछ ही दिनों में आपको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति 6 माह तक नियम बना करके इस तरीके से काम करता है तो उसके मुख से निकलने वाली हर बात सच हो जाती है, वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। इसी धूल से प्रतिदिन स्नान करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके हर कार्य बनने लगते हैं। साथ ही इसी धूल को घर के चारों कोनों में डाल देने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति दर दर की ठोकर खा रहे हैं और उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, ऐसे व्यक्तियों को यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको एक भोजपत्र लेना चाहिए और जो गाय के खुर से निकलने वाली धूल है जिसे हम गोरोचन कहते हैं, उसी गोरोचन से अपनी इच्छा को इस भोजपत्र पर लिख देना चाहिए। फिर आपको एक कलावी से इस भोजपत्र को बांध देना है और घर में प्रतिदिन जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उस स्थान पर अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर रख करके आपको हवन कुंड में 5 आहुतियाँ इसी गोरुचन यानी कि इसी गोरुचन से लिखे हुए भोजपत्र के ऊपर से हवन कुंड में डाल देनी है और फिर आपको इसे 15 दिन तक करना है। इससे आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाती है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके साथ चमत्कार भी होने लगेगा। अगर भरोसा ना हो तो आप इस उपाय को प्रैक्टिकल के तौर पर आजमा कर भी देख सकते हैं। इसमें हैरान रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो उपाय शास्त्रार्थ होती है सिर्फ और सिर्फ वही उपाय आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास होता है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद, इन उपायों को करने के बाद आपके हर काम बिगड़े हुए ना बने तो कहना। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप सभी का आज का पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अपने तक सीमित रखने की कोशिश ना करें, अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कर दें ताकि अन्य लोगों का भला भी आपके साथ में हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।